हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये सीखेंगे कि ArtCAM में एनवलप डिस्टॉर्शन का टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ArtCAM ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ArtCAM ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कोई भी साइज का। 50 mm का मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और एक एलिप्स बना लेता हूँ। मैं छोटा कर देता हूँ, काफी बड़ा एलिप्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको हम कोई शेप दे देते हैं। राइट क्लिक करके शेप एडिटर पर क्लिक करेंगे और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अभी ये बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे वेक्टर पे और यहाँ पे जाएंगे रिलीफ टूल्स में। ये है रिलीफ एनवेलप डिस्टॉर्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसका यूज क्या है फ्रेंड, जैसे हमने कोई शेप बना दिया और उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इस तरीके से, अगर मैं इसका कोई शेप जो भी है अपने तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और इसको मैं पेस्ट करूँगा। ये देखिए, इसका शेप चेंज हो गया, जो पहले था अब ये इस तरीके से हो गया। दूसरा इसका यूज क्या है, दूसरा मैं इसका बताता हूं। जैसे मैं इसका हाफ कर लेता हूं, इसको बीच से कट कर देता हूं। इतना हो गया। अब दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूंगा, रिलीफ एनवेलप डिस्टॉर्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल रिलीफ कॉपी होगा ये, मतलब इस कर्व के अलोंग मैं इस वाले रिलीफ को कॉपी करूंगा। कट पर भी क्लिक कर सकते हैं, यही सेम चीज, मतलब मूव हो जाएगा यहाँ से। और अब क्लिक कर लेता हूं मैं यूज एग्जिस्टिंग कर्व पे, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट कर का ऑप्शन दिखा रहा है, मैं कर्व पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर्व कर दूंगा। अब ये एरो दिखा रहा है, ये इस तरीके से ये पेस्ट होगा इस पे। अभी लेफ्ट साइड है और राइट साइड है और सेंटर्ड है, तो मैं सेंटर्ड पे क्लिक करता हूँ तो इस वेक्टर के अलोंग ये पेस्ट होगा। अब मैं इसको ये चीज बताता हूँ, नंबर ऑफ कॉपीज का जो ऑप्शन है, ये 1 स्ट्रेच टू फिट, मतलब यही एक जो सर्कल है, जो रिलीफ है, ये स्ट्रेच होकर इस पर फिट हो जाएगा। और मेनी बेस्ट फिट, मतलब इस कर्व पे जितने भी नंबर ऑफ पीसेस की जरूरत पड़ेगी वो अपने आप कैलकुलेट करके पेस्ट कर देगा इसमें। और ये वाला ऑप्शन है नंबर ऑफ, आप जितने पीस अपनी मर्जी से, जितने पीस आप पेस्ट करना चाहते हैं उतना पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अप्लाई करूंगा, ठीक है, ये अपने आप यहाँ पे फिट हो गया। उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, फिनिश कर देते हैं। अब ये इस तरीके से पेस्ट हो गया। और एक चीज मैं और दिखा देता हूँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने एक डोर पैनल बनाया था उसमें इस टूल की जरूरत पड़ी थी। मैं दिखा देता हूँ आपको, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि
मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा ArtCAM और अदर डिज़ाइनिंग टूल्स के बारे में जानकारी ले सकें। फाइल ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। जैसे ये सर्कल है, ये छोटे छोटे सर्कल हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर आप वन बाय वन इसको पेस्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ये टूल टाइम सेविंग के लिए है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।